अरे बच्चों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हम सभी के प्यारे से YouTube चैनल आरबीएससी फिजिक्स क्लासेस पर। और आज के इस लेक्चर में हम करेंगे बेसिक मैथ फॉर फिजिक्स के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति। इसको अपन जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा था द्विविम निर्देशांक ज्यामिति। देखिए होता क्या है, अगर मैं प्लेन में दो लाइन खींच दूं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, तो आपका तल दो यानी चार भागों में बढ़ जाएगा, चार भागों में बढ़ जाएगा। और प्रत्येक भाग को बोलते हैं क्वाड्रेंट या चतुर्थांश। तो क्या किया मैंने कि मैंने यहाँ पे क्षैतिज रेखा खींची, जिसको क्या बोला अपन ने, क्षैतिज रेखा, जिसका नाम क्या होता है, एक्स एक्स। क्या होता है इसको बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं एक्स एक्स। क्या बोले इसको, एक्स, और यहाँ पे एक्स लिखा ना, लिखना नहीं जा रहा, एक्स एक्स, ठीक है, एक्स एक्स। और इसी का दूसरा नाम होता है हॉरिजॉन्टल। क्या बोलते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल लाइन। और इसी को बोलते हैं हिंदी में क्षैतिज। क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन। और इसके जस्ट लंबवत, इसके जस्ट 90 डिग्री पर दूसरी रेखा बोल लिखी अपन, दूसरी रेखा खेती, उसे क्या बोलते हैं, वाई एक्स। क्या बोलते हैं, वाई एक्स, या वाई एक्स हिंदी में इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा। और इसका इंग्लिश में नाम होता है वर्टिकल लाइन। लाइन क्या होता है, वर्टिकल लाइन, जहां पे दोनों एक्सिस एक दूसरे को काट रही है, इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन मीन मूल बिंदु, यानी आपका हो गया ओरिजिन। और इधर यह हो गया वाई डैश, इधर क्या बन जाएगा, एक्स डैश। मतलब हुआ क्या, इधर एक्स के धनात्मक मान लेते हैं, इधर एक्स के ऋणात्मक मान लेते हैं, ऊपर वाई के धनात्मक मान लेते हैं और नीचे वाई के ऋणात्मक मान लेते हैं। या आप इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट पहला चलता, इसको बोलते हैं दूसरा चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तीसरा चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं चौथा चतुर्थांश, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बात करें किसी बिंदु के निर्देशांक, तो पहले कहते हैं पी पॉइंट, बाद में ब्रेक लगाते हैं, फिर कोमा एक्स कोमा वाई, पहले एक्स निर्देशांक बाद में वाई निर्देशांक, ठीक है। ठीक है, यहाँ बात करें इनके चिन्हों के बारे में, चिन्ह के बारे में। तो यहाँ देखिए एक्स भी प्लस होगा, वाई भी क्या रहेगा, प्लस, इधर एक्स प्लस वाई प्लस। ये बात मैंने पिछले वीडियो में जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई टाइम में बता दी, जब ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ाई थी उस टाइम ये बात मैंने आपको बता दी थी। वैसे लोग यहाँ माइनस प्लस, यहाँ क्या आएगा, माइनस माइनस। जैसे जब इसकी बात करें, इधर एक्स तो माइनस है, वाई क्या है, प्लस, तो माइनस प्लस। यहाँ एक्स माइनस, वाई भी माइनस, क्या हो गया, माइनस माइनस। यहाँ एक्स प्लस और वाई क्या है, माइनस। ये हो गए इनके तीनों के बारे में जानकारी। यानी इस बिंदु में, इस क्वाड्रेंट के अंदर कोई भी चलता, कोई भी बिंदु होगा वो एक्स, जैसे एक्स कोमा वाई हो गया। जैसे मैं बोलूँ कि 2.3 बिंदु कहाँ है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। जैसे यहाँ जो भी बिंदु होगा उसमें एक्स तो माइनस कराएगा और वाई प्लस कराएगा। यहाँ जो भी बिंदु होगा एक्स और वाई दोनों किसके रहेंगे, माइनस के। और यहाँ पे एक्स तो रहेगा प्लस का और वाई क्या रहेगा, माइनस का। तो ये बेसिक बात है कि कोऑर्डिनेट्स के बारे में, क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं दूरी सूत्र की, जिसकी कि दो बिंदु है। जैसे मान लो एक बिंदु पी है और एक बिंदु क्यू है। इस बिंदु पी के जो निर्देशांक हम मान लेते हैं x1, y1 है, और बिंदु क्यू के जो कोऑर्डिनेट है निर्देशांक उनको मान लेते हैं x2, y2, ठीक है। तो अपने मान लो दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालनी है, तो दूरी सूत्र यानी दोनों बिंदु के बीच की दूरी, दोनों बिंदु के बीच की दूरी पी क्यू का मान निकाल क्या आएगा वर्गमूल के अंदर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जो भी दोनों बिंदु के बीच की दूरी, पूरा देखना वीडियो, ये बेसिक जो हम 10th पढ़ रखा है। आगे भी जो और भी पार्ट, ढाल क्या होता है, सरलरेखा का समीकरण क्या होता है, वर्ष का समीकरण क्या होता है, दीर्घ वर्ष क्या होती है, सारी बातें इस वीडियो में करेंगे हम डिटेल से। तो बेसिक बेसिक, तो ये आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसको बना लीजिए, उतार लीजिए, इसको छाप लीजिए। आगे बात करते हैं अपन सरल रेखा के, मतलब सरल रेखा के सिलसिले, सीधे ऊपर सिलसिले, सरल रेखा का ढाल क्या होता है, सरल रेखा का समीकरण क्या होता है। तो देखिए आगे इसको रख कर दू, आगे आते हैं अपन सरल रेखा का समीकरण। सरल रेखा का समीकरण सीधा बोलिए आप, यहाँ पे अपने को विभाजन सूत्र उनसे कोई मतलब नहीं है। चलिए तो आगे मैं बात करता हूँ सरल रेखा का समीकरण की, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा का समीकरण। तो देखिए सरल रेखा का समीकरण पढ़ने से पहले अपन पढ़ लेते हैं सरल रेखा का ढाल। क्या पढ़ लेते हैं, सरल रेखा का ढाल, सरल रेखा का ढाल। तो सरल रेखा क्या होती है, जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि ये कोई समीकरण है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। जैसे मान लो कोई भी 2x + 3y + 5 = 0, ये कोई समीकरण है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। तो बीजगणित के हिसाब से एक समीकरण है, लेकिन ज्योमेट्री रेखागणित के हिसाब से ये सरल रेखा है। यानी
गणित में समीकरण है ये, लेकिन ज्योमेट्री में क्या चीज है, ये सरल रेखा का मतलब सरल रेखा को रिप्रेजेंट करेगा। तो पहले मैं बात करूँ सरल रेखा का ढाल क्या होता है। तो देखो ये कुछ नहीं होता है, ये होता है कोई भी सरल रेखा, कोई भी रेखा एक्स एक्स के साथ धनात्मक धनात्मक दिशा में मतलब एंटी क्लॉकवाइज दिशा में जो कोण बनाती है, वामावर्त दिशा में जो कोण बनाती है उसे क्या बोलते हैं, सरल रेखा का ढाल। सरल रेखा का ढाल, इसी का दूसरा नाम होता है परवणता, इसी का दूसरा नाम होता है परवणता, इसी का नाम होता है झुकाव, और इसी चीज को इंग्लिश में बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं, स्लोप। ठीक है, तो ये क्या होता है कि कोई भी सरल रेखा, मान लो आपका एक्स एक्स है और यह आपका वाई एक्स है, यह आपका क्या है, वाई। तो कोई सरल रेखा एक्स एक्स के साथ धनात्मक दिशा, इसको बोलते हैं धनात्मक, ये बात हम पहले कर चुके हैं कि कौन मतलब एंटी क्लॉकवाइज दिशा में मापा गया कौन धनात्मक होता है, जबकि क्लॉकवाइज दिशा में मापा गया कौन ऋणात्मक होता है। तो ये जो थीटा है, इस थीटा की स्पर्शजा, इस थीटा की स्पर्शजा, स्पर्शजा समझ, तो टेन को ही हिंदी में क्या बोलते हैं, जो टेंजेंट है जिसको आप टेन थीटा बोलते हो, वो पूरा टेन क्या होता है, टेंजेंट, पूरा क्या, टेंजेंट, यानी जो जो थीटा की स्पर्श है, इसका जो थीटा का टेन है उसे क्या बोलते हैं, ढाल। इसको दिखाते हैं किससे, इसको दिखाते हैं स्मॉल एम से, एम बराबर क्या होता है, टेन थीटा, एम बराबर टेन, इसी को बोलते हैं ढाल। कोई डाउट, एम बराबर टेन थीटा, एम तो उसका नोटेशन है, संकेत है, तो ये हो गया ढाल। ठीक है, यहाँ तक कि कोई भी सरल रेखा एक्स एक्स की धनात्मक दिशा में जो कोण बना रही है उसका टेन, उसका अपन टेन निकाल ले, वो किसको बताएगा, उसकी ढाल को बताएगा। ठीक है, यहाँ तक आप पहली बात लिख सकते हो कि कोई यदि कोई सरल रेखा एक्स एक्स के साथ धनात्मक दिशा में जो कोण बनाती है उसकी स्पर्शजा को ही सरल रेखा की ढाल कहते हैं। चलिए आगे, एम बराबर टेन थीटा। फिर आगे से बात करते हैं कोई सरल रेखा एक, जैसे यहाँ पे चिंता होगी, अगर कोई सरल रेखा दो बिंदुओं से गुजर रही है तो उसकी ढाल क्या होगी, मतलब आगे लिखिए, दो बिंदुओं से गुजरने वाली सरल रेखा की ढाल, दो बिंदुओं से नेक्स्ट, दो बिंदुओं से गुजरने वाली, ये लिख देता हूँ, ये बना लीजिए, ये छाप लीजिए आप, मैं इसी में कुछ और काम कर देता हूँ, आगे टॉपिक चेंज कर रहा हूँ, इसी में दो बिंदुओं से गुजरने वाली सरल रेखा की ढाल। बिंदु कितने होंगे, दो, पहला एक्स वन वाई वन मान लेते हैं, दूसरा एक्स टू वाई टू मान लेते हैं, क्या लिखेंगे, दो बिंदुओं से गुजरने वाली, दो बिंदुओं से गुजरने वाली सरल रेखा की ढाल, सरल रेखा का ढाल। तो देखिए मान लेते हैं, फिर डायग्राम बना रखा है, इसको मैंने हटाया नहीं, मान लेते हैं ये ग्राफ दोबारा से, मान लेते हैं अपन ये ग्राफ दोबारा बनाना, आप ये ग्राफ आप दोबारा फिर से बनाना, कि मान लो एक पॉइंट, चलो मैं इसको हटा के दोबारा बना देता हूँ, हाँ तो सही कर लेते, बनेगा कुछ ऐसा ही, दो बिंदु लेंगे, कितने बिंदु लेंगे, दो, पहला पी दूसरा क्यू, पी के निर्देशांक मान लेते हैं एक्स वन वाई वन और क्यू के निर्देशांक मान लेते हैं एक्स टू वाई टू। देखिए सर, ये वाई है, ये आपका एक्स है, और यहाँ पे मान लेते हैं कोई सरल रेखा है, और यहाँ पे इसके ऊपर कोई बिंदु पी है जिसके जो निर्देशांक है वो एक्स वन, बिंदु पी के जो निर्देशांक को क्या मान लिया मैंने, एक्स वन कोमा वाई वन, और यहाँ पे कोई बिंदु क्यू है जिसके निर्देशांक मैंने क्या मान लिया, एक्स टू कोमा वाई टू, और देखा आगे तक जारी, यह आपका एक्स है, यह आपका वाई है। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ये कोण थीटा मान लिया, ये कोण थीटा मान लिया, इसका मतलब ये हुआ कि बिंदु पी जो निर्देशांक है, यानी यहां तक एक्स वन है और यहां ये क्या आपका, यहां तक ये क्या हो जाएगा आपका वाई वन। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक लाइन यहां से मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और एक लाइन में लिया, ठीक है, ये क्या बन गया, यहाँ से त्रिभुज बन गया, क्या बन गया, त्रिभुज, इसको पी क्यू इसको आर बोलते हैं, ये बन गया 90। ठीक है, 90 ये दूरी एक्स वन, निर्देशांक एक्स वन ये कितना होगा, एक्स टू होगा। ठीक है, यहाँ तक ये एक्स टू हो गया, ये एक्स वन है तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा एक्स टू में से एक्स वन घटा दो, यानी ये दूरी आपको मिलेगी एक्स टू माइनस एक्स वन, कितनी मिलेगी, एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है, यहाँ तक अब ध्यान से देखें, यहां तक कितना है, वाई वन, क्लियर भाई, जितनी दूरी ये होगी उतनी होगी आयत बन रहा है, और यहां से लेके यहां तक कितना बनेगा, वाई टू। ठीक है, तो ये बनेगा यहां से लेके यहां तक वाई टू, क्लियर, तो ये दूरी कितनी आएगी, ये वाली क्यू आर का मान होगा वाई टू माइनस वाई वन, कितना होगा, वाई टू मान क्यू से ना, ये दूरी कहां से, यहाँ क्यू से, क्यू आर का जो मान आएगा वाई टू माइनस वाई वन। ध्यान से लेके, अगर ये कौन थीटा,
ये देखा पी आई का की एच एच के समांतर ये कौन भी कितना होगा थीटा हो, ये चल भी कितना होगा थीटा। तो ढाल क्या होती है, ढाल के एम बराबर टेन थीटा, एम बराबर टेन थीटा। तो इस त्रिभुज में टेन का मान निकाल लीजिए, टेन क्या होता है लंब बटा आधार, लंब क्या है वाई टू माइनस वाई वन, आधार क्या एक्स टू माइनस एक्स वन। लिखकर इसके बराबर अपन क्या लिखेंगे, टेन थीटा बराबर वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। यह आ गई दो बिंदुओं से गुजरने वाली सरल रेखा की ढाल का समीकरण या सूत्र बोल लीजिए, क्या आएगा एन बराबर वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। एस निकालते हैं दो बिंदुओं से जाने वाली सरल रेखा का ढाल निकालते हैं, जहां पे वाई क्या है इसको आप जैसे मतलब डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट एंड डिफरेंस ऑफ एफ निकाल, हिंदी में इसको बोलते हैं मतलब इसको कौन बोलते हैं वाई को बोलते हैं, वाई को क्या बोलते हैं कोटि बोल, क्या बोलते हैं एक्स, यानी कोटियों का अंतर बटा भुजों का अंतर। अगर आपको समझना तो बाकी तो फॉर्मूला याद कर लीजिए, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है, अगर कोई जैसे मान लो आपसे पूछ ले कि कोई सरल रेखा एफ एक्स के साथ 45 डिग्री का कोण बना रही है तो उसकी ढाल क्या होगी, तो एम बराबर टेन 45 यानी एक। अगर कोई सरल रेखा एफ एक्स के साथ धनात्मक धनात्मक दिशा में 135 डिग्री का कोण बना रही है तो उसकी ढाल क्या होगी, तो आंसर होगा एन एम बराबर टेन 135, और टेन 135 का मान कितना होता है -1। निकाल के देखना ट्रिग्नोमेट्री पहले आपने पढ़ी होगी, मैंने पढ़ा रखी इससे पहले ही, तो वहां से टेन 135 कितना होता है -1। तो इसे आप ढाल के छोटे छोटे सवाल कर सकते हो। चलिए आगे आते हैं अपन सरल रेखा के समीकरणों के ऊपर, किसके ऊपर सरल रेखा के समीकरणों के ऊपर, ये ज्योमेट्री में एक रेखा है इसका समीकरण क्या होगा, यानी अपन ज्योमेट्री के अंदर जो कर्व्स होते हैं उनकी बात समीकरण के रूप में करते हैं, इक्वेशंस के रूप में करते हैं। तो आगे लिखिए सरल रेखा के समीकरण, सरल रेखा का समीकरण पहले बात करेंगे मानक का, तो उसके विभिन्न रूप और दो चार जो अपने काम काम को अपन पढ़ लेंगे, पूरा तो अपन पढ़ नहीं पाएंगे, पूरा तो वैसे पढ़ोगे आप बस, वैसे ही ऊपर ऊपर से मोटा मोटा आइडिया ना। तो आगे लिखिए सरल रेखा का समीकरण, सरल रेखा का समीकरण। तो सरल रेखा का समीकरण जो क्या होता है वो देखिए, सरल रेखा का समीकरण क्या लिखा आपने, सरल रेखा का समीकरण। उसमें भी बहुत सारे केस है, उसमें भी बहुत सारे केस है। एक तो बात करते हैं मानक समीकरण, किसकी बात कर रहे थे पहला, इसका मानक समीकरण क्या होता है, तो इसका मानक समीकरण तो कुछ ये होता है, इसको बोलते हैं मानक समीकरण क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, जहां पे क्या है ए बी सी बिलोंग्स टू आर, यानी क्या आपकी ए बी सी और आर वास्तविक संख्या है और एक्स वाई वो जनरल पॉइंट है, जनरल बिंदु है, ये चेंज हो सकते हैं वेरिएबल से, तो हो गया इसका मानक समीकरण। चलिए आगे बात करते हैं एफ एक्स के समांतर सरल रेखा का समीकरण क्या होगा और वाई एक्स के समांतर सरल रेखा का समीकरण क्या होगा। तो मैं पहले दूसरी बात कर रहा हूँ एक्स एक्स के समांतर सरल रेखा का समीकरण, एक्स एक्स के समांतर सरल रेखा का समीकरण क्या बनेगा, तो देखिए इधर एक्स एक्स के समांतर, जैसे ये आपका वाई एक्स, ये आपका एक्स एक्स, ये एक्स एक्स और ये मान लेते अपन वाई एक्स मान लेते, ठीक है। तो एक्स एक्स के समांतर रेखा ऊपर भी हो सकती है और एक्स एक्स के समांतर रेखा नीचे भी हो सकती है। तो मान लेते हैं ये दूरी अपन कितनी मान ले, इस दूरी को मैं मान लेता हूँ बी, कितनी मान ली मैंने दूरी, ये दूरी मैंने बी मानी, बी का मान चेंज हो सकता है 2 3 5 कुछ भी, मैंने सिंपल बी बोल दिया, ठीक है। तो क्या आएगा और ये क्या होता है वाई, तो समीकरण क्या होगा वाई बराबर बी, अगर नीचे की तरफ है तो क्या बन जाएगा वाई बराबर माइनस बी, तो समीकरण क्या बन जाएगा सिंपल सी बात है वाई बराबर प्लस माइनस बी, या तो होगा वाई बराबर बी, अगर वाई बराबर बी है तो ऊपर की ओर, अगर वाई बराबर माइनस बी है तो नीचे की ओर, तो सिंपल इसको एक साथ ये लिख सकते हैं वाई बराबर प्लस माइनस बी, वाई बराबर प्लस माइनस बी, ये हो गया आपका किसके समांतर एक्स एक्स के समांतर सरल रेखा का समीकरण। जैसे आपने जो बोले वाई बराबर दो, वाई बराबर दो का मतलब क्या होगा कि ये बिंदु कहीं है, ये हो गया दो यानी 0.2, इतनी बात है। दूसरी बात के साथ ही ये आपको बातें पता होगी कि ये आपका एक्स एक्स है, तो एक्स एक्स पे किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे एक्स कोमा जीरो के रूप में, और वाई एक्स पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे 0.y के रूप में, यानी आप बोल सकते हो कि एक्स बराबर जीरो वाई बराबर जीरो, वाई बराबर जीरो किसका समीकरण है एक्स एक्स का समीकरण है, और एक्स बराबर जीरो किसका समीकरण है वाई एक्स का समीकरण है, नहीं आया समझ में, आप ही बनाएंगे बताते हैं, ये बात समझ आ गई, आगे लिखिए इसी को कंटिन्यू, ये बात समझ आई।
क्या देखा अपने, एस एक्स के समांतर संरेखा का समीकरण। आगे बात करते हैं वाई एक्स से, ये भी बता रहा हूँ, लिखा रहा हूँ भी, जैसे आपको समझ में आ गया होगा फिर भी लिखा दे। नंबर कौन सा, पॉइंट नंबर थर्ड। आगे बात करते हैं वाई एक्स के समांतर, वाई एक्स के समांतर सरल रेखा का समीकरण, वाई एक्स के समांतर सरल रेखा का समीकरण क्या आएगा, वाई एक्स, या मान लेते वाई, ये आपका क्या बनेगा एक्स, ये वाई एक्स है, मैंने छोटा बना दिया, अब बड़ा बना आराम से, ये आपका क्या बनेगा एक्स है, ये वाई एक्स, तो वाई एक्स के समांतर रेखा इधर भी हो सकती है और रेखा इधर भी हो सकती है, तो मान लेते हैं ये दूरी अपन कितने मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, तो हो सकता है इधर इधर हो तो प्लस में, मतलब दाई ओर हो तो प्लस में और बाई ओर तो कितने आएगी वो माइनस में, इधर जो बनेगी वो माइनस है, तो सिंपल सा समीकरण क्या बन जाएगा, ये किसको बता रहा है एक्स को, किसको बता रहा है, यानी या तो एक्स बराबर ए या एक्स बराबर माइनस ए, तो समीकरण क्या बनेगा एक्स बराबर प्लस माइनस ई, एक्स बराबर प्लस माइनस, ये हो गया आपका एक्स एक्स सॉरी वाई एक्स के समांतर संरेखा का समीकरण। चलिए आगे बात करते हैं, आगे एक्स एक्स का समीकरण क्या होगा, एक्स एक्स का समीकरण, तो आपको याद है एक्स एक्स पर वाई क्या होता है जीरो, एक्स एक्स पर वाई का मान हमेशा क्या रहेगा जीरो, तो एक्स एक्स का समीकरण बन जाएगा वाई बराबर जीरो। इसी प्रकार वाई एक्स का समीकरण, वाई एक्स का समीकरण यानी वाई पर एक्स का मान हमेशा क्या रहेगा जीरो, इसका समीकरण बन जाएगा एक्स बराबर जीरो। बात इधर से डायग्राम से देखिए, यह आपका एक्स है, यह आपका वाई है, एक्स एक्स पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, क्या होंगे यानी एक्स तो हमेशा कुछ होगा जो भी होगा दो तीन, लेकिन वाई का मान हमेशा जीरो रहेगा। इसी प्रकार वाई पर एक्स हमेशा क्या रहेगा जीरो, और वाई का जो भी मान है वो रहेगा, और एक्स और वाई अगर एक्स बराबर जीरो है वाई बराबर जीरो तो किसको बताएगा ओरिजिन, यानी मूल बिंदु के जो कोऑर्डिनेट होते हैं निर्देशांक होते हैं जीरो कोमा जीरो होते हैं, इतनी बात आपने देखी। चलिए आगे बात करते हैं इसका मानक संग्राम देखिए, आगे अपन बात करते हैं सरल रेखा का ढाल रूप, सरल रेखा का ढाल रूप में समीकरण, तो नेक्स्ट सरल रेखा का ढाल रूप में समीकरण के ऊपर आ जाते हैं। ओके यहाँ तक आगे चले, सरल रेखा का ढाल रूप परवलता आपने निकालना सीख लिया, परवलता इंपॉर्टेंट, ढाल आपके बार बार काम आएगा, ढाल ढाल हर बार ढाल की बात करेंगे मैक्सिमम टाइम, तो ढाल अच्छे से देख लिया, एम बराबर टेन थीटा, और यही ढाल आगे जाके बन जाएगा डीवाई बाई डी एक्स, क्या बन जाएगा डीवाई बाई डी एक्स, अवकलन बात करेंगे वही बात करेंगे, ठीक है इसको साफ कर दे। चलिए आगे बात लिखिए सरल रेखा का ढाल रूप में समीकरण, सरल रेखा का ढाल रूप में समीकरण ये क्या होता है देखिए, सरल रेखा का ढाल रूप में समीकरण, सरल रेखा का ढाल रूप में समीकरण, सरल रेखा का ढाल रूप में समीकरण, इसको बोलते हैं अपन स्लोप फॉर्म, क्या बोलते हैं इसकी स्लोप फॉर्म, इसको बोलते हैं स्लोप फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप फॉर्म पूरा नहीं लेकर, मान लेते हैं ये वही वाई एक्स, ये क्या है वही एक्स एक्स, ये आपका वाई एक्स, और मान लेते हैं कोई रेखा है जो एक्स एक्स से कोण बना रही है थीटा, और इसने वाई एक्स पर ये अंशकन काट रखा है, ये जो लंबाई है इसको बोलते हैं अंशकन, क्या बोलते हैं इसने वाई एक्स पर कितना भाग काट रखा है, कितना भाग घेर रखा है, इसको दिखाते हैं सी से, कितने काटते हैं सी से, तो इसका जो समीकरण होता है वो होता है वाई बराबर क्या होता है वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, क्या होता है वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, जहां पे एम क्या है एम ढाल है, वो क्या होगी एक्चुअल में वो टेन थीटा के बराबर होगी, जो भी थीटा का मान आपको दे रखा है, और सी यहाँ पे बोलते हैं सी को बोलते हैं वाई एक्स पर काटा गया अंतरण, क्या बोलेंगे वाई एक्स पर काटा गया अंतःखंड, वाई एक्स पर काटा गया अंतःखंड, ये होता है आपका सी, ठीक है आपका वाई एक्स पर काटा गया अंतःखंड, ये हो गया आपका इसका ढाल रूप में समीकरण, और एक्स वाई के ऊपर जनरल पॉइंट है। चलिए आगे बात करते हैं इसका ढाल रूप हो गया, सरल रेखा का अंतःखंड रूप, क्या सरल रेखा का अंतःखंड रूप में समीकरण, अंतःखंड रूप में समीकरण, आपके थोड़ा ये ज्यादा काम आएगा, सरल रेखा का अंतःखंड रूप में समीकरण, तो देखिए अंतःखंड क्या होता है, ये होता है एक्स अपॉन ए प्लस एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर है, क्या होता है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर है, कैसे कि मान लेते हैं कोई सरल रेखा है ये एक्स एक्स और ये वाई एक्स, आप इतना एक्स एक्स और ये वाई,
और मान लें कोई सरल रेखा है जिसमें एफ एक्स पर एन परसेंट काटा ही, ये जो इसने दूरी काटी कितनी, ए काटी, ये वही मूल बिंदु है 0,0, और पी एक्स एक्स के ऊपर कोई बिंदु है ठीक है, और इसने वाई एक्स पर जो एन परसेंट काटा वो कितना मान लिया, मैंने बी मान लिया, कितना मान लिया बी, ये हो गया एफ एक्स पर काटा गया अंतःखंड, ये हो गया वाई एक्स पर काटा गया अंतःखंड, इसका जो समीकरण कहेगा एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर ए, ये होता है इसका सरलीकरण अंतःखंड रूप में समीकरण। चलिए आगे बात करते हैं एक बिंदु से जाने वाली सरलरेखा का समीकरण, जैसे क्या ये नोट कर लीजिए, ये काट लीजिए इसको हटा यहां से पॉज करके, ओके चलिए आगे आगे क्या कहेंगे, एक बिंदु से जाने वाली सरलरेखा का समीकरण, मैं यहाँ पे सिर्फ मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ, मैं अंदर डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ फिजिक्स के लिए कि बेसिक बेसिक आइडिया सरलरेखा क्या होती है, समीकरण क्या होता है, जो ग्राफ है अपने पास इन ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपन जितने भी जो कर्व होते हैं उनके इक्वेशन के रूप में बात करते हैं अपन। चलिए आगे एक बिंदु से जाने वाली, एक बिंदु से जाने वाली सरल रेखा का समीकरण, एक बिंदु से जाने वाली सरल रेखा का समीकरण ये क्या होगा, ये होता है y माइनस वाई वन बराबर होता है m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, यानी ये जो रेखा मैंने मान लिया किसी बिंदु p x1, y1 से जा रही है, इसका समीकरण क्या होता है y माइनस वाई वन बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, जहां पे m आप समझे m स्टैंडर्ड डेविएशन को क्या बोलते हैं, ढाल बोलते हैं, इसी को स्लोप बोलते हैं, इसी को प्रवणता बोलते हैं, इसी को झुकाव बोलते हैं, ढाल समझो झुकाव कितना, जैसे इंक्लाइन है कितना झुका हुआ, ये होता है ढाल। आगे बात करते हैं दो बिंदुओं से जाने वाली, दो बिंदुओं से जाने वाली सरल रेखा का समीकरण, जाने वाली सरल रेखा का समीकरण ये क्या होता है, देखिए सिंपल वाई दो बिंदु है, तो एक बिंदु मान जैसे बिंदु मान लिया पहला बिंदु P x1, y1, दूसरा मान लिया Q, क्या मान लिया x2, y2, देखिए सिंपल सी बात ये है समीकरण यही है, m का मान अभी बताया आपको मैंने, दो बिंदुओं से जाने वाली सरल रेखा समीकरण, सर दो बिंदुओं से जाने वाली सरल रेखा ढाल कैसे निकालते हैं, y2 - y1 / x2 - x1, तो कैसे निकालें इसको, ये होता है y - y1 बराबर आएगा m इंटू ये, और यहाँ पे m का मान क्या आएगा y2 - y1 / x2 - x1, मैंने कुछ नहीं किया इस n की जगह, अभी हमने निकाला था दो बिंदुओं से जाने वाली सरल रेखा का ढाल क्या था y2 - y1 / x2 - x1, तो यहाँ रख दिया इंटू में क्या रखा x - x1, ये हो गया दो बिंदुओं से जाने वाली सरल रेखा का समीकरण ठीक है, यहाँ से मोटा मोटा आइए आपको लग रहा है। फिर बात करते हैं लंब रूप की बात, यहाँ पे कहीं नहीं है, वो एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी होता है, उसको अपने यहाँ से छोड़ दें, मैं बनाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं सबको छोड़ दें, सीधे चलते हैं वर्ट के ऊपर, जिसके ऊपर वर्ट का समीकरण, तो देखिए वर्ट का समीकरण जो होता है x2 - x का होल स्क्वायर + y - k का होल स्क्वायर बराबर आता है ए स्क्वायर बोल दीजिए, ए स्क्वायर बोल दीजिए, जहाँ ये क्या वर्त थी यानी ये है एक वर्त है जिसका जो केंद्र है वो केंद्र क्या है एच कोमा की, यहाँ पे एच कोमा क्या है वर्त के केंद्र के निर्देशांक है और ये दूरी कितनी है आर ठीक है, जिस वो वर्त जिसके केंद्र के निर्देशांक एच कोमा के है और ए यहाँ पे क्या है वर्त की त्रिज्या और यहाँ पे पी एक्स कोमा वाई कोई बिंदु है, तो वर्त का जो समीकरण होता है वो x - s² + y - k² बराबर ए स्क्वायर, जहाँ पे एच कोमा क्या है एच कोमा के है एच कोमा के है इसके केंद्र के निर्देशांक, वर्त के केंद्र के निर्देशांक है, अगर मान लो यदि जो केंद्र वर्त का केंद्र मूल बिंदु पर हो, वर्त का केंद्र मूल बिंदु पर हो तो मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0,0 होते हैं, यहाँ पे यदि वर्त का केंद्र मूल बिंदु पर हो, यदि वर्त का केंद्र मूल बिंदु पर हो, कहाँ पे हो मूल बिंदु पर हो, मूल बिंदु पर हो मतलब क्या हो जाएगा एच बराबर 0 और के बराबर 0, तो यहाँ पे वर्त का समीकरण हो जाएगा x - 0² + y - 0² बराबर ए स्क्वायर, ये बन जाएगा x² + y² = a², इसी को बोलते हैं वर्त का
मानक समीकरण, क्या बोलते हैं, वर्ष का मानक समीकरण, वर्ष का मानक समीकरण, यानी ये वो वर्ष है जिसका केंद्र कहाँ पे, मूल बिंदु पे। तो अगर आपके पास फिजिक्स में कोई ऐसा समीकरण आता है तो किसको बता रहा है, वर्ष को बता रहा है। अगर कोई ऐसा समीकरण आ रहा है तो किसको बताएगा, वर्ष को। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक को, जहाँ पे एक है वर्ष की त्रिज्या, यहाँ पे क्या है, वर्ष की त्रिज्या, तो ये किसको बताएगा, वर्ष को। ये होता है वर्ष का समीकरण। चलिए आगे आते हैं दीर्घ वर्ष को, इसको बताते हैं दीर्घ वर्ष के ऊपर। बाकी मैथ्स में बहुत डिटेल है, मैं पूरी मैथ्स यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ मोटा मोटा फिजिक्स के लिए, ठीक है। ये किसका बनेगा, वर्ष का समीकरण लिए। चलिए आगे आते हैं, ये नोट कर लीजिए, आगे हम चलते हैं दीर्घ वर्ष पहले परवलय का समीकरण, किसके ऊपर, परवलय का समीकरण। ओके कर लिया नोट। चलिए आगे लिखिए परवलय का समीकरण, किसका समीकरण, परवलय का समीकरण। तो परवलय का तो अभी बताते हैं आपको, परवलय का समीकरण। तो नेक्स्ट देखिए, ऐसी दो क्या लिखा, परवलय पैराबोला, किसको, किसका बोलते हैं, पैराबोला, वर्ष को बोलते हैं सर्किल, पैराबोला का समीकरण या मानक समीकरण बोलो तो वो भी अच्छा रहेगा। मानक समीकरण क्या होता है, परवलय का समीकरण होता है वाई स्क्वायर बराबर फोर ए एक्स, क्या होता है, वाई स्क्वायर बराबर फोर ए एक्स, जहां पे एक है ये उसकी, ए होती है उसकी मतलब से तिरस से नाभिक की दूरी। तो देखिए ये हो गया, इसका डायग्राम बनाए, तो ये बनेगा डायग्राम कैसा, ऐसा, ये है परवलय, ये कैसा है परवलय, कहाँ जाएगा ये अनंत तक जाएगा, ये कहाँ ऐसे जा रहा है, ये कहाँ तक, ये अनंत तक जा रहा है, कहाँ तक, ये जो होता है ए कोमा जीरो, इसको बोलते हैं इसका सिरस, क्या बोलते हैं इसको, इसका सिरस बोलते हैं। और यहाँ पे पी एक्स कोमा वाई कोई वेरिएबल पॉइंट है, ए होगी इसकी सिरस से, इसको बोलते हैं इसकी नाभि, क्या बोलते हैं इसकी नाभि के निर्देशांक, ए कोमा जीरो भाई वाई एक्स पे, वाई तो क्या रहेगा जीरो, ए कोमा जीरो इधर एक चीज होती है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, क्या बोलते हैं उसको, नियता बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। तो आपको समीकरण याद रखिए, ये तो समीकरण है, इसका समीकरण यानी जो किधर इसका मुंह कहाँ खुल रहा है, प्लस एक्स की तरफ मुंह खुल रहा है इसका, जो कहाँ खुल रहा है, प्लस एक्स की तरफ, वाई स्क्वायर बराबर फोर एक्स। अगर यही समीकरण यही परवलय किधर खुल जाए, वाई स्क्वायर बराबर माइनस फोर एक्स, ये किसका होगा, अगर आपका परवलय किधर खुल रहा हो, माइनस एक्स किधर, माइनस एक्स की तरफ खुल रहा हो, ऐसे माइनस एक्स की तरफ खुल रहा हो, इसका समीकरण क्या बनेगा, वाई स्क्वायर बराबर माइनस फोर एक्स, पहला। दूसरा इसी को उल्टा लिख दे, कि जैसे आपका लिखा हो एक्स स्क्वायर बराबर फोर ए वन, एक्स स्क्वायर बराबर फोर ए वन, इसका मुंह कहाँ खुलेगा, ऊपर की ओर, कहाँ खुलेगा, ऊपर की ओर, एक्स स्क्वायर बराबर फोर ए वन। और तीसरा होता है एक्स स्क्वायर बराबर माइनस फोर ए वन, तो आप समझ गए इसका मुंह कहाँ खुलेगा, नीचे की ओर, कहाँ खुलेगा, नीचे की ओर। तो मैं तो ये तो बातें होगी, आप याद रखीजिए, ऐसा समीकरण आ रहा है कि एक्स और वाई में एक ही घात दो, एक्स और वाई में किसी की एक ही घात दो और दूसरे घात क्या हो, एक हो, तो किसको बताता है, वो परवलय को रिप्रेजेंट करता है, यानी रेखा गणित के हिसाब से ये कर्व है, लेकिन बीज गणित के हिसाब से समीकरण, यानी ये होता है परवलय का समीकरण, वाई स्क्वायर बराबर फोर एक्स, जहां पर एक्स और वाई कोई परिवर्तित बिंदु कहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या हो गया, नाभि के अंदर ये जो दूरी वो ए कोमा जीरो, ए कोमा जीरो, क्लियर। ये होता है परवलय का मानक समीकरण, वाई स्क्वायर बराबर फोर ए एस। आगे चलते हैं दीर्घ वर्ष, इसके ऊपर दीर्घ वर्ष, इलिप्स के ऊपर दीर्घ वर्ष का समीकरण, दीर्घ वर्ष का समीकरण, बाकी मैंने सॉल्व करने की कोशिश की। चलिए आगे, दीर्घ वर्ष का मानक समीकरण, दीर्घ वर्ष का, ये नोट नहीं किया तो वही पॉज करिए, बैक कर लेना, बिना से काफी है। आगे लिखिए दीर्घ वर्ष का समीकरण, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, दीर्घ वर्ष का समीकरण। तो चलिए देखिए दीर्घ वर्ष का समीकरण, दीर्घ वर्ष का समीकरण, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो ये होता है अंडाकार, इसकी जो शेप होती है क्या चलती है, अंडे की जैसी होती है, आपने देखा होगा एक तो, कि ये इसका भी पहले जो इक्वेशन की बात करते हैं, इसकी वजह होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर एक, जहाँ पे बी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ए स्क्वायर, जहाँ पे ई को बोलते हैं इसकी उत्केंद्रता, इसको यहाँ बोलते हैं उत्केंद्रता। ये बात आप छोड़िए, ये बात आप छोड़िए, आप तो इधर देखिए मैन में, कि ये होता है एक्स एक्स, तो ये एक्स एक्स, ये आता है वाई एक्स, तो इसको इसकी जो शेप है कुछ ऐसे होती है, ऐसे अंडा का, ये दूरी होती है यहाँ से लेके यहाँ तक होती है टू ए, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होती है
होती है, इसको बोलते हैं दीर्घ, इसको बोलते हैं दीर्घ, और यहां से यहां से जो लंबाई इसको बोलते हैं टू भी, क्या बोलते हैं टू भी, इसको बोलते हैं लघु, यहां से लेके यहां से इसको बोलेंगे अपन इसका लघु एस, और वो इसका ए कोमा जीरो, इसकी नाभि यहां पे होगी, इसके निशान क्या होंगे ए कोमा जीरो, हमने माइनस ए कोमा जीरो, समझ आ गया, जहां पे ए क्या है अर्धलघुवत और बी क्या है, सॉरी टू ए क्या होती है, इसको बोलते हैं दीर्घ, क्या बोलेंगे दीर्घ एक्स, दीर्घ एक्स, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं मेजर एक्सिस, क्या बोलेंगे मेजर एक्सिस, और इसको बोलते हैं लघु, क्या बोलते हैं लघु एक्स, माइनर एक्सिस, क्या बोलेंगे माइनर एक्सिस, या आपका वाई एक्स या आपका एक्स एक्स, तो देखिए इसका समीकरण क्या होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए, यहाँ पे एक्स वाई वाली कोई भी जनरल पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट है उसका लोकस है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर ए, ये समीकरण किसको बताता है दीर्घवृत्त को इलिप्स को, यानी फिजिक्स में आपके पास कोई तो ऐसा समीकरण आ रहा है उसको हम क्या कहेंगे ये दीर्घवृत्त का समीकरण, जैसे ऐसे समय आएगा अपने पास, और एक बार जो अपने केपलर के नियम है वहां भी अपने को पढ़ना पड़ेगा था वो गुरुत्वाकर्षण के अंदर, तो टू ए क्या इसको क्या बोलते हैं लघु दीर्घ, क्या बोलते हैं दीर्घ, और ए क्या है अर्ध दीर्घ यानी दीर्घ की आधी, टू जो क्या बोलते हैं लघु, बी यहाँ पे क्या है अर्ध लघु यानी लघु का आधा बी, ये हो गया आपका दीर्घवृत्त का समीकरण, ऐसे एक आता है अति परवलय का समीकरण, क्या होता है अति परवलय का समीकरण, अति परवलय का समीकरण ये होता है, इसमें माइनस लगा दीजिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर, ये कैसा होता है ये कुछ ऐसा होता है, ये कुछ ऐसा खुलता होता है, ऐसा ये कुछ ऐसा खुलता है जहां पे इसके वही जैसा यानी इनके बीच की दूरी उसको टू ए मान रखा है, टू की दूरी मतलब ये आपका समीकरण ऐसा, आपको समीकरण देखना ये किसको बताएगा ऐसा कहीं आ रहा है तो वो बता दो आपको अति परवलय का समीकरण, ये मेन मेन जो समीकरण थे मैंने आपको बताने की कोशिश की वीडियो, अभी तो आपको छोटा ही बनाऊंगा अच्छी तरह से समझ आ गया, तो ज्योमेट्री के मेन मेन समीकरण से आप याद कर लीजिए, जैसे मेन तो यहाँ पे काम की बातें सरलरेखा का ढाल और जो सरलरेखा का ढाल का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण, ये मेन तीन चार बातें आपको याद रखनी है आपने, बाकी आपने जितना पढ़ा यहाँ आपने आपको आइडिया दे दिया कि ये ज्योमेट्री इतने अपने को लगभग काम जो आएगी उसका, इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसमें के बारे में कुछ और ज़्यादा जानना है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में आप बताना कि ये चीज़ आप बता दीजिए, ठीक है उसका मैं आपको अलग से कैसे भी वीडियो बना दूंगा जो भी कर दूंगा, ठीक है ओके धन्यवाद।